हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। डार्क, ब्रेकिंग बैड, प्रिजन ब्रेक, दिस थ्री आर वन ऑफ माय फेवरेट शोज। बट सी, मेरे ही नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में मोस्ट वॉचेबल और मोस्ट लवेबल शोज में से एक है। और अगर हमारे इंडिया की बात करें तो यार, इन तीनों शोज़ को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया। लेकिन प्रॉब्लम ये कि ये अब तक हिंदी डब में अवेलेबल नहीं है, जो कि बहुत ही सैड बात है। लेकिन फिलहाल कुछ अपडेट निकल कर आई है, जिससे ये पता चलता है कि कौन सा शो हमको हिंदी में देखने को मिलेगा, कौन सा शो हमें नहीं देखने को मिलेगा, या कौन सा शो में भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डार्क, जो कि एक जर्मन शो है। इसमें टोटल 3 सीजन आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 26 एपिसोड है। और ये आपको जर्मन और इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलता है नेटफ्लिक्स पर, लेकिन ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक बहुत ही गुड न्यूज़ है कि यस, इसके डबिंग पर काम शुरू हो चुका है। क्योंकि नेटफ्लिक्स को पता है कि जो इंडियन ऑडियंस है उनको डार्क शो हिंदी में देखना, और जैसे ये हिंदी में रिलीज होगा तो वैसे उनको सब्सक्रिप्शन मिलेंगे, बहुत ही जमकर मिलेंगे। और डार्क वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड सीरीज में से एक है, तो इसलिए वो लोग इस पर काम करना शुरू कर दिए। और जो कोविड की सिचुएशन चल रही, जैसे कि आपको बताया, और यूएस एक महीने से सारी चीज़ें चल रही है डार्क के डबिंग पर काम। तो अगर सारी चीज़ें टाइम पर कंप्लीट होती है तो विद इन 3 मंथ्स ये आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा। और नेटफ्लिक्स वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि साले, जब भी कोई हिंदी में शो लेके आते तो उसके बारे में वो लोग इन्फॉर्म नहीं करते, बस वो लोग अपलोड कर देते हैं, बाकी ऑडियंस खुद ब खुद देख कर चेक करती है। तो जैसे ही मुझे पता चलेगा, मैं आप लोगों को तुरंत बता दूंगा। आई एम नॉट इन डेंजर, आई एम अ डेंजर। ब्रेकिंग बैड, जो कि एक अमेरिकन सीरीज है, इसमें आपको टोटल 5 सीजन देखने को मिलते हैं, ऑलमोस्ट 62 एपिसोड है। ये एक AMC ओरिजिनल सीरीज थी, बट ये अब आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलती है। और नेटफ्लिक्स पर आने के बाद ये इंटरनेशनली इतनी ज़्यादा फेमस हुई कि आज पूरे वर्ल्ड में बहुत लोग ब्रेकिंग बैड के फ़ैन है। और जो इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारे ब्रेकिंग बैड देखना तो चाहते हैं मगर हिंदी में देखना चाहते हैं। और इसकी अगर हिंदी डब की बात करें तो ये तो यार, नेटफ्लिक्स पर ये आपको सेवरल लैंग्वेजेस देखने को मिल जाती है, लेकिन हिंदी में देखने को नहीं मिलती। तो अब नेटफ्लिक्स वालों को अगर इसको हिंदी में रिलीज़ करना है तो वो लोग ऐसे ही रिलीज़ नहीं कर सकते मेरे भाई। उन लोगों को सबसे पहले AMC, जो कि ऑफिशियल राइट्स रखते हैं इस पर्टिकुलर शो के, उनके पास जाना पड़ेगा और उनसे एक्सक्लूसिव लाइसेंस लेना पड़ेगा, ताकि वो लोग इसको हिंदी डब में रिलीज़ कर सके। तो अब ये नेटफ्लिक्स के ऊपर है कि वो लोग चाहते हैं या नहीं। फिलहाल तो इसके ऊपर कुछ भी काम नहीं चल रहा, ये आप लोग अच्छे से सुन लो। और फाइनली प्रिजन ब्रेक, जो कि आपको Disney+hotstar पे देखने को मिलती है। इसमें टोटल 5 सीजन आ चुके हैं, 6 सीजन आने वाला है, 20 एपिसोड्स है। और ये भी उन शोज़ में से है कि जो कि हमारे इंडियन ऑडियंस देखना चाहती है। लेकिन भाई, इस शो के साथ एक प्रॉब्लम है कि अनिल कपूर, जिन्होंने इसके Season 1 की राइट्स एक्वायर कर ली है, लेकिन ये चीज़ उन्होंने 2016 में की थी, और उसके बाद से इन्होंने अभी तक के कुछ भी इस ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की कि वो इसकी रीमेक कब बनाएंगे। इतना तो कंफर्म है कि अनिल कपूर ही इसकी रीमेक बनाएंगे, और उस रीमेक में किसको लेंगे वो कुछ भी आइडिया नहीं है। तो ऐसे में अगर आप लोग ये सोचोगे जो ओरिजिनल है प्रिजन ब्रेक, वो आपको हिंदी में देखने को मिलेगा या नहीं, तो 100% नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि जब एक बंदे ने, इंडिया के बंदे ने उसकी राइट्स खरीदी है, तो फिर ऐसे में वो कैसे चाहेगा कि यार ओरिजिनल शो हिंदी में आए। क्योंकि अगर वो हिंदी में आ गया तो फिर रीमेक को कौन देखेगा। तो आप लोग अनिल कपूर से ये रिक्वेस्ट करो कि सर, या तो फिर आप इसके राइट्स वापस कर दो स्टूडियोज़ को, या तो फिर आप इसका रीमेक बनाओ। अगर आप रीमेक बनाते हो तो आप इसमें किसको लेते हो वो एटलीस्ट बता दो, ताकि हमारे दिल को सुकून पड़े। तो यार, ये 3 कुछ शोज़ की अपडेट थी, और ये कुछ मेरे पर्सनल फेवरेट शोज़ हैं। और उनमें से 2 शोज़ के मैंने रिव्यू किए, जैसे कि डार्क और ब्रेकिंग बैड के काफ़ी डिटेल में रिव्यू किया। अगर आप लोग को चेक करना तो देखिए, चेक कर लो। और हाँ, प्रिजन ब्रेक के मैंने 3 सीजन्स देखे, बाकी के 2 सीजन्स देखना बाकी है, अभी मैं जल्द खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो यार, बस इस वीडियो में इतने। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो। नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।